आई होप आप लोग अच्छे हो और आ गई हूँ मैं लव डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। वैसे भी हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, तो हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो लेट्स गो। ओके, आफ्टर ऑल तुम लोगों की पूरी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ते तुम्हारा जो सोलो वाला पार्ट है उसमें तुम्हें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तुम्हें उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है तो मुझे अभी जाना होगा, लेकिन तुम लोगों के पास हाफ आवर है और जंकुक तुम टे को गाइड करो, क्योंकि ये तुम दोनों का डांस है और अगर किसी एक का भी कुछ मिस्टेक हुआ तो दोनों के डांस परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो टे तुम प्रैक्टिस करो अपने वाले पार्ट को और जंकुक तुम टे को गाइड करो। ओके, तो मैं चलती हूँ। जंकुक, आई थिंक तुम्हें अपनी पार्टनर चेंज कर लेनी चाहिए। वॉट, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है कि कुछ ही दिन में हमारी कंपटीशन स्टार्ट होने वाली है और तुम मुझे अभी चेंज करने को कह रही हो। ते तुम बहुत अच्छा कर रही हो, मैम ने बस कहा है कि तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तुम ख़राब नहीं कर रही हो, तुम चलो स्टार्ट करो। ओके, मगर अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, तुम्हें मेरी वजह से अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ते तुम मेरी पार्टनर हो, तुम में इम्प्रूवमेंट होगा, यानी हमारे जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। मैं यही हूँ, तुम प्रैक्टिस स्टार्ट करो। हाँ यस, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही करो तुम। शुगा, कंपटीशन तुम्हारी है, कंपटीशन ते की भी है, प्रैक्टिस तुम भी कर रहे हो, प्रैक्टिस ते भी कर रही है, तो फिर वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा, कितने दिन हो गए हम लोगों ने साथ में मिलकर एक साथ एंजॉय ही नहीं किया। पता नहीं ये तुम लोगों का कंपटीशन कब खत्म होगा। जिमिन, इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। पर पता है क्या, इसमें भी अगर आपने मेहनत ही नहीं की है तो वो भी आपकी कोई मदद नहीं करने वाला। तो आपको अगर अपना ड्रीम कंप्लीट करना है तो उसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इसलिए टी को अगर लग रहा है कि उसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो तुम्हें उसे सपोर्ट करना चाहिए, जैसे मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं भी टी को बहुत मिस कर रहा हूँ, पर मुझे पता है कि ये प्रैक्टिस उसके लिए ज़रूरी है ताकि वो ये कॉम्पिटिशन जीत सके। तो इसी तरह तुम भी उसे सपोर्ट करो ना, टी को अच्छा लगेगा अगर तुम उसे सपोर्ट करोगी। तो अगर उसे कंप्लेन करोगी तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, वो भी परेशान हो जाएगी ना। अब चलो, हम दोनों इंजॉय करते हैं, टी के साथ कभी और हम लोग मूवीज़ देख लेंगे। अभी हम दोनों इंजॉय करते हैं। टी, ध्यान दे, तुझे अच्छे से करना है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? अब अच्छा, को क्या मैं अच्छा कर रही हूँ? कहीं मैंने कुछ गलत किया है? सॉरी, वो मैं तुम्हें खो गया था। व्हाट? आई एम सॉरी, वो मेरे कहने का मतलब था, तुम्हारे मूव्स में मैं ध्यान दे रहा था ना, तो मैं बस वही देख रहा था। अब काफ़ी देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। हाँ तो चलते हैं। शुभा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? थोड़ा पर्सनल है। डेफिनेटली जिमिन, कितना पर्सनल पूछ सकती हो? बिल्कुल पूछ सकती हो तुम उससे। ओके, मुझे ये तो पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, मगर अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी हो तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? ओफो जिमिन, यही तुमने अजीब क्वेश्चन कर लिया ना। कैसी लड़की पसंद है, ऐसा थोड़ी होता है। और अगर हमें कोई पसंद आता है तो पहले से पता थोड़ी होता है कि उसके अंदर कैसी चीज़ें हमें पसंद आ जाए। लेकिन सामने वाला पर्सन हमारे साथ कैसा बिहेव करता है उस पर डिपेंड। हाँ वो तो है शुभा, मगर कुछ तो सोचा होगा ना तुमने कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए एटलीस्ट। ओके, तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ते एकदम परफेक्ट है इसके लिए। लेकिन ते मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ते इतनी ब्यूटीफुल भी तो है। पर अब कर भी क्या सकते हैं। और अगर तुम अपने बारे में बोल रही हो तो वेट, ये भी बुरा नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, तुम भी बहुत प्रिटी हो। जस्ट शट अप, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही थी, और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या सच में? अब मुझे सुना है, मैं सोने जा रही हूँ, तय तो उसे डिनर प्लीज दे देना। शुगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू कुआरा ही रहने वाला है। इसका मतलब शुगा को तेरी जैसी लड़की चाहिए और मैं तो बहुत डिफरेंट हूँ।
हे ते, तुम कहाँ चली जा रही हो? हाँ, मैं बस स्टॉप जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। क्यों, तुम्हें ये कार नहीं दिख रही? ऑफ कोर्स दिख रही है मुझे ये कार, और कार में तुम भी दिख रहे हो, तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ। ओफो, बैठो यहाँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम पर क्यों? क्योंकि इतनी रात हो गई है और तुम्हारा ऐसे अकेले जाना सेफ नहीं है, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वाह, मेरे लिए खैर। हाँ, ऑफ कोर्स, तुम मेरी पार्टनर हो, ध्यान तो रखना पड़ेगा जब तक कंपटीशन ना हो जाए। दिस इज सो मीन, पर तुम सही हो, चलो चलती हूँ। और दूसरे दिन सुबह कॉलेज में, आज मौसम है सुहाना, कॉलेज आना है रोजाना। ओह नो, चंकुक जल्दी से रोक इसे, वरना तेरे को चोट लग जाएगी, रोक जल्दी। क्या मैं सच में अभी तक जिंदा हूँ? ओफो, भी ओवर ड्रामेटिक थे। ऑफ कोर्स तुम जिंदा हो, इससे क्या होगा? चंकुक, तुम्हें समझ में आता है? कल तुम मुझे सेफ्टी के साथ घर छोड़ने गए थे, और आज सुबह सुबह तुम अपनी साइकिल के साथ मुझे मारना चाहते हो। आर यू फॉर रियल? इस साइकिल से तुम्हें क्या हो जाएगा? हाँ, और देखो मैंने कुछ किया भी नहीं, ये रुक गई पहले ही। खैर, मैं अभी किससे बातें कर रही हूँ, तुम तो अपनी गलती मानने से रहे। और मुझे अपने क्लास में जाना है, तो मैं अपने क्लास में जा रही हूँ, और हम डांस क्लास में मिलते हैं, बाय। ये लड़की बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कुछ देर के बाद जंकुक के क्लासरूम में, जिमिन ये लो तुम्हारे वो नोट्स जो तुमने मुझे कहे थे तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, और कुछ और नोट्स तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ला कर दे दूँगा। थैंक यू सो मच जंकुक, अगर तुमने होते तो पता नहीं मैं इस सेमेस्टर में कहीं फेल ही हो जाती। अरे मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। थैंक यू जंकुक, मुझसे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहूँ ना जिमिन, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? एक्चुअली जंकुक, तुमने जो मुझे कहा था वो ओके, तुमने मुझे प्रपोज़ किया था, तो मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, एंड आई थिंक मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ, पर मुझे सीक्रेट रखना है अभी। क्या सीक्रेट? पर क्यों जिमिन? एक्चुअली जंकुक, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, पर मैं उस वे में पसंद करती हूँ कि नहीं ये मुझे जानना है, और ये मैं तभी फील कर पाऊँगी जब मैं तुम्हारे साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगी। आई होप तुम समझ रहे हो, अगर तुम रेडी हो तो ही। मैं तो डेस्परेट था ना जिमिन के साथ स्पेंड करने के लिए, और जब वो कह रही है तो मुझे उतनी खुशी क्यों नहीं हो रही है? मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? मैं अभी टी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? व्हाट हैपेंड विद मी? क्या वो जंकुक, अगर तुम्हें नहीं करना तो ना जिमिन, आई एम रेडी, और हो सकता है इस तरीके से तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, और शायद साथ में मेरी भी। और कुछ देर के बाद, ओके शुगा, मैं अपनी प्रैक्टिस में चलती हूँ, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट यू टू, बाय, अपना ख्याल रखना ते। इस ते ने मुझे कंफ्यूज करके रख दिया, पता नहीं मैं उसके बारे में इतना सोच ही क्यों रहा हूँ। अरे ते, ये क्या कर रहे हो, और ये किस लिए किया तुमने? वो एक्चुअली तुम खुले बालों में ज्यादा प्यारी लगती हो। थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, पर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट भी अच्छे से देना नहीं आता, क्योंकि मेरा शुगर कहता है कि मैं जैसी भी रहती हूँ बहुत प्यारी लगती हूँ, और तुम कह रहे हो कि सिर्फ मेरे जब बाल खुले होते तब अच्छी लगती हूँ। आई एम रियली सॉरी दे, पर गलती एक्चुअली मेरी है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना ही नहीं चाहिए था। अरे पर प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद है तो उसकी तारीफ करना बुरी बात तो नहीं है। मैं क्यों करूँ तुम्हारी तारीफ? तुम्हारी तारीफ करने के लिए तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड शुगर है ना? वो तो है, पर तुम भी कर सकते हो, मैं माइंड नहीं करूँगी। तो आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट करें, और प्लीज़ ये धमकियाँ ना दिया करें। मुझे टाइम मिलता है तो मैं टाइम से अपलोड कर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।